स्टार्ट करें सर जी अली भाई जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमारे लिए तकरीबन जो जितने भी गेम्स हैं हमारे लिए डू एंड डाई की सिचुएशन थी तो टीम ने काफ़ी एफर्ट की हमने मिल के बैठ के आपस में बात की शादाब ने जो कि एज एन कैप्टन और कोचेज ने भी तो आज थोड़ा अल्लाह का शुक्र है कि सब ने नज़र आ रहा था कि बहुत ज़्यादा एफर्ट की है जी इकबाल भाई ज़फ़र आज जो आपका स्पिन कॉम्बिनेशन था शादाब खान के साथ मिलकर 8 ओवर में 52 रन और 5 विकटें आप पाकिस्तान टीम के लिए खेलते खेलते रह गए कैसे समझते हो आपकी परफॉर्मेंस प्लस इस्लामाबाद यूनाइटेड की आज की इस विक्ट्री को और अपने स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन को शादाब खान के साथ बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा कि हम पे काफ़ी प्रेशर था एज एन टीम हम दो मैच हार चुके हुए थे तक ऑलमोस्ट डू एंड सिचुएशन थी तो हमने काफ़ी एफर्ट किया दूसरी स्पिन कॉम्बिनेशन आप वो शादाब लेग स्पिनर है मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर तो हमारे वो सही भी से बात होती रहती है सिचुएशंस का पूछते रहते हैं कैसा पिच हो कैसे बॉलिंग करनी है तो वो काफ़ी हेल्प करता है और दूसरा शादाब भी काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है तो वो मेरे से बात करता रहता है और वो एज एन मेरे से वो ज़्यादा क्रिकेट खेला है लेकिन जब मैं भी उसको कोई बात करूँ तो वो मतलब हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है जी ऑफिसर ज़फ़र अगर हम देखें अभी कैरियर ट्रॉफी में आपकी परफॉर्मेंस और ये परफॉर्मेंस और जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड का कम्बिनेशन बना हुआ है तो कहाँ रेट कर रहे हैं अपने आप को क्योंकि लाजमी बात है इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे मिसबा कहते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए भी टीम बनेगी और आपकी टीम के अंदर एक बड़ा अच्छा कंपटीशन आप लोगों का अहमद सफ़ी है आप हैं शादाब हैं तो कैसा कंपटीशन है हेल्थी कितना सीखने का मौका मिल रहा है इसमें जी अल्लाह का शुक्र है मेरी मैं जो भी इवेंट खेलता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को हेल्प करूँ परफॉर्मेंस करूँ कायद अजम ट्रॉफी का मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ था और वो भी हम फाइनल जीते थे तो वो जो एक टीम जब जीतती है किसी कोई भी इवेंट तो वो जो एक फीलिंग होती है तो इस्लामाबाद का मैं पिछले 3 साल से ऐसा हूँ जब भी मैं खेलता हूँ अल्लाह का शुक्र है मैं परफॉर्मेंस देता हूँ और मैं जब इंजरी से के बाद आया था 3 साल पहले तो इस्लामाबाद ने मतलब एज एन फ्रेंचाइज काफ़ी मुझे हेल्प की थी तो अभी भी जब वो क्या कहते हैं प्लेयर्स जितने भी हैं हमारे आपस में बहुत ज़्यादा कम कोऑर्डिनेशन है सबका तो हमारी कोशिश यही कहती है कि जो भी खेले कोई भी खेले एज एन फैमिली खेलें एज एन टीम खेलें और हारें भी तो एज एन टीम हारें और जीतें भी तो एज एन टीम जीतें हमारी यही कोशिश होती है ज़फ़र आज की विकेट को किस नज़र से देखते हैं स्पिन बॉलिंग के हवाले से स्पेशली शादाब और आपने तीन खिलाड़ी को आउट किया कितनी फ़ायदेमंद थी स्पिन के लिए आज की विकेट जी कल भी इस पर मैच हुआ था और 210 रन बने थे तो मैं थोड़ा था कि यार एज एन स्पिनर्स भी इस पर प्रेशर था उन पर भी कि क्योंकि ये हाई स्कोरिंग पिच है जैसे कल भी मैच हुआ और हमारी यही बात हुई थी मिल के जब हमारी मीटिंग हुई थी कि यार हमने कोशिश करनी है कि हम विकटें आउट कर मतलब विकटें लें और हमारी यही कोशिश थी एज एन स्पिनर मेरी और शादाब की कि हम विकटें लें ताकि हम लाहौर को अंडर प्रेशर रखें अगर ऐसा पिच था अब देखिए एंड में शिनवारी ने भी आराम से मतलब छक्के मारा था तो पिच ऐसा था कि जो भी सेट होता था वो रन बनाना इतना मुश्किल नहीं था इस पिच पर तो हमारी यही कोशिश होती थी कि हम विकटें लें और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर रखें ओके जी थैंक यू थैंक यू वेरी मच